और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से हमारी YouTube फैमिली को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये खीर की रेसिपी तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मेरी निजामी खीर है ना। तो आप लोग भी ईद मिलादुन नबी के मौके पे अपने घरों में ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कट कर रही हूँ, देखिए इस तरह से पूरी के साइज का हम कट कर लेंगे, जितनी बड़ी हमको पूरियाँ बनानी है वो हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा हो गया गरम, बिस्मिल्लाह, तेल में पूरियाँ डालेंगे और तलते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सूखा सालन। हाँ, दाल चावल के साथ मैं आलू चिकन का सूखा सा सालन बना रही हूँ, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन दाल कर भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चलिए अब हम ये आलू और चिकन के सालन को हम डिश आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे यार, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। तो आज है माशाल्लाह ईद मिलादुन नबी, तो आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी और मेरी पूरी फैमिली के तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मॉर्निंग हो गई है और मैं खीर पूरी बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी खीर भी पक रही है माशाल्लाह। अब ये खीर की रेसिपी तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मेरी निजामी खीर है ना। तो आप लोग भी ईद मिलादुन नबी के मौके पे अपने घरों में ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी रहती है। अभी जल्दी से मैं खीर तो बन गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे पूरी बनाना बाकी है, वो भी मैं बना के रेडी होती हूँ। उसके बाद फातिया होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खीर तो हमारी बन चुकी है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी खीर इधर रेडी है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरी। आज मैं सादी पूरी बना रही हूँ मैदे की। तो मैदे के आटे में नमक घी डाल के मैंने गून ली थी और इसकी अभी पूरियाँ मैं कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से पूरी के साइज़ का हम कट कर लेंगे, जितनी बड़ी हमको पूरियाँ बनानी है वो हिसाब से, है ना। अभी जल्दी से मैं पूरियाँ भी बना देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये निज़ामी खीर की तो मैंने आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ और ये फिक्की पूरी मैंने आप लोगों को बताई नहीं हूँ, मगर अभी बता दी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिर आटे में नमक और घी डाल के इसको गूंदना है और इसकी पूरियाँ तल लेना है। तो ये पूरी भी खीर के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए अभी मैं बेलने जा रही हूँ आटे में डस्ट करके। और यहाँ पर गैस पे मैंने तेल भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम बेलते भी जाएंगे और तलते भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा हो गया गर्म, बिस्मिल्लाह, तेल में पूरियाँ डालेंगे और तलते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह इस तरह फूल रही है पूरियाँ हमारी, है ना, बस इसी तरह से फूली फूली पूरियाँ तल लेंगे। खीर के साथ इस तरह की पूरी भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को अच्छी लगती है इस तरह की पूरी। और टाइम कम रहेगा तो आप लोगों को मीठी पूरी अगर नहीं बनाना है तो ये पूरी भी जल्दी से बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्की पूरी की भी रेसिपी बता चुकी हूँ और मेरी चोबे की मीठी पूरी की भी रेसिपी बता चुकी हूँ। देखिए ये फिक्की पूरियाँ, इसी तरह से मैं सारी पूरियाँ तल के ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? माशाल्लाह आपकी दुआ से हम सब अच्छे। और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से हमारी YouTube फैमिली को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तोहफे में हमारे तमाम मोमिन मोमिनात के गुनाहों को माफ़ करे, और उनके सबके तोहफे में अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, हम सबकी परेशानी को दूर करे, हम सबके गुनाहों को माफ करे। और जो हमारे मरहूम इस दुनिया से गुजर चुके अल्लाह ताला उन सबकी मगफरत अता करे और उन सबके मरहूमों के गुनाहों को माफ करे, उन सबको को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुब्हा आमीन या रब्बल आलमीन।
हम सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, हम सबको खुश रखे, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अच्छा रखे। तो फिर अभी बहुत ज़्यादा झाग जा रहा है, तो अभी हमारा रेसिपी माशाल्लाह आप ही ने बताई है जो खीर पूरी ईद मिलादुन नबी के लिए। अभी अल्लाह ताला चलो हम सब मिलके उसको फातिहा देते हैं, फिर तकसीम करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं ना। अभी अभी हम लोग बैठ के फातिहा के लिए चलो फिर। अस्सलामुअलैकुम, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक। माशाल्लाह, सैफ फैमिली मुबारकबाद दी आप लोगों को माशाल्लाह। चलो फिर फातिहा देते हैं। चलो चलो फातिहा देते सब निकालती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर खीर पूरी रेडी हो गई है, अभी मैं फातिहा के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा कलर आया है केसर डालने से। बिस्मिल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है हमारी निज़ामी खीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ट्राई करे होंगे अपने घर में। अगर बनाए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की खीर भी कैसी बनी। ठीक है, अभी चलो अभी फातिहा का टाइम हो रहा है, फातिहा देते हैं, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। आ गई फातिहा की खीर और पूरी माशाल्लाह। अगरबत्ती लेकर आती हूँ जला के। तो माशाल्लाह हमारी फातिहा हो गई है, तो अभी फिर खीर पूरी खाते हैं। आप लोग भी आइए खाइए। अब दिकार लेकर आती हूँ छोटी छोटी। अभी तो पड़ोसियों को तकसीम भी कर देना फिर। हाँ। सब भाई जितने हमारे अदर पड़ोस में सबको भी तकसीम करेंगे। आप लोग भी बनाएंगे इनके साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तकसीम किया करो, है कि नहीं अफीन? है ना, लाओ फिर खाते। चलिए फिर सबको निकाल के देती हूँ खीर फातिहा की। चलो खीर पूरी खाओ। दिखने में इतनी प्यारी बनी है, खाने में कितनी अच्छी लगी। बहुत टेस्टी बनती है ये निज़ामी खीर। ये देखिए क्या बात है, माशाल्लाह स्वादिष्ट और पूरी के साथ तो डबल मजा। क्या फिर क्या पूरी लो बेटे, पूरी। चलो फिर आप लोग भी आइए हमारे साथ खीर और पूरी खाने के लिए, हम लोग खा के आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी फातिहा देकर हो गया है माशाल्लाह। शौहर मेरे चले गए बुटीक पर, मैं जा रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देख रही हूँ कि कितनी बारिश चालू हो गई है, देखो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और अचानक से देखो दोपहर के टाइम पर बारिश चालू हो गई। पर ठंडा भी लग रहा है, सुबह से तो बहुत गर्म हो रहा था, बहुत पसीना आ रहा था, जब से अभी बारिश चालू हो गई है ज़रा बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठंडा लग रहा है। तो अभी चलते हैं किचन में, मैं आज क्या बना रही हूँ रेसिपी वो किचन में चल के बताती हूँ। चलो आया है, अब भी तो गए थे तुम। अरे बाबा वहाँ पे बारिश बहुत जोर से बारिश चालू हो गई है। हाँ। और पुलिस वाले क्या सब बोले कि जल्दी आज जल्दी निकालने बंद कर दो, 4 बजे के बाद निकालने को। मैं बोली भी मत जा, बारिश हो रही है फिर भी चले गए। क्या जोर से बारिश हुई है बाप रे बाप, बिजली क्या कड़क रही है। अरे बाप बहुत जोर से बिजली कड़क रही है। और पुलिस वाले भी बोले 4 से पहले बोले दुकान बंद कर दो। तो चलो इसी बहाने वापस घर पे आ गए। अभी गए ना, बादल गरज रहे ना मत जाओ, तो नहीं बोले मैं जाके आता हूँ और गए तो भी थे, जाने तो कोई बात नहीं। चलो तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ खाने में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सुक्का सालन। हाँ, दाल चावल के साथ मैं आलू चिकन का सुक्का सा सालन बना रही हूँ, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली हूँ ये 500 ग्राम मैंने चिकन ले ली हूँ।
इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए। अब इसको रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने ली हूँ दो आलू, इसको भी मैंने ये बड़े बड़े पीस में कट कर लिए। तो सबसे पहले रखेंगे गैस पे एक बर्तन, इसमें डाल देंगे हाफ कप ऑयल। इसमें यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, आलू फ्राई करके डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारे आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तेल के अंदर हम डाल देंगे ये कुछ खड़े गरम मसाले, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, शाहजीरा और दालचीनी और एक तेज़ पत्ता। ये सारे खड़े गरम मसाले तेल में जाएंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसे तड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम दो बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाह, दो बड़ी प्याज है मैंने बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अब इन प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज लाल हो रहा है, जब तक हम ये जो टमाटर है उसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले ली, इसमें डाल देंगे ये दो बड़े साइज के टमाटर, मैंने रख ली चॉप कर ली हूँ, ये डाल देंगे मिक्सी जार में। और साथ ही में डालेंगे इसमें दो टेबल स्पून खोपरे का बुरादा। ये सूखे खोपरे का बुरादा है, अगर आप लोगों के पास सूखा खोपरा होगा तो वो डाल सकते हैं, पर मेरे पास है इसका बुरादा तो मैं ये डाल रही हूँ दो चम्मच। और टमाटर के साथ हम इसको खोपरे को पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को पीस दी हूँ खोपरे का बुरादा डाल के। अब इसको रख देंगे हम साइड में। और हमारा जो प्याज है लाल हो रहा है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक और फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन कलर की, बस इतना ही लाल करेंगे, इससे लाल नहीं करेंगे वरना जल जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी हम भून लेंगे अदरक लहसुन का कच्चा पन खत्म होने तक। एक मिनट भून लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और खाने में भी बहुत मज़ेदार रहती है। आलू चिकन का सूखा सालन बनाएंगे ना बहुत चटपटा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर और खोपरे का पेस्ट। बिस्मिल्लाह, अब साथ ही में हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच एवरेस्ट का चिकन मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे सूखे मसाले हम डाल देंगे इसी के साथ। बिस्मिल्लाह, मसालों को टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर का पानी पूरा सूख जाने तक इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, मसाले में तेल छोड़ दिया है ना, अच्छी तरह से भून चुका है मसाला। अब इसमें डालेंगे हम ये चिकन जो धो के रखे। बिस्मिल्लाह, चिकन डालकर भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब क्या करेंगे, चिकन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चिकन भून लेंगे जब तक कि चिकन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसकी स्मेल जो ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम दही। दही डालने से टेस्ट अच्छा आता है, कभी भी चिकन बनाओ मटन बनाओ तो दही ज़रूर डालना, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, और दही डालकर भी हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह दही डालने से ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो ये दही डालकर भी मैंने अच्छी तरह से भून ली हूँ। देख सकते कढ़ाई से तेल छोड़ दिया है पतीली में। अब क्या करेंगे, इसमें हमने जो बॉईल के ये फ्राई करके रखे ना आलू वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आलू डाल देंगे
और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर पुदीना, अच्छी खुशबू आती है कोथमीर पुदीने की। अभी मैं भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ, हल्के हल्के आटे पर मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, एकदम सूखा सा बनाना है ना, ड्राई बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक गिलास पानी, एक गिलास पानी मैंने डाल दिया बस। अब ज़्यादा पानी और नहीं डालेंगे। अब इसको ढक कर हम आलू और चिकन गलने तक इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें मैंने पानी डाल दी हूँ, बस एक गिलास पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे आलू और हमारे चिकन गलने तक पकने देंगे। जब पक जाएगा 10-15 मिनट में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, बीच में एक दो बार मैंने चलाई भी थी। माशाल्लाह ये देखिए, ये हमारा आलू और चिकन का सूखा सालन बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितनी मस्त ग्रेवी बनी है ना। ये देखिए, बस इतना ही सूखा रखेंगे, इससे पतला नहीं रखेंगे, इसमें ही मज़ा आता है। तो फिर चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते। हमारा चिकन भी पक गया है, आलू भी गल गया है। फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए अब हम ये आलू और चिकन के सालन को हम डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त बना है हमारा सालन। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा चिकन आलू का सूखा सालन बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारी रेसिपी चिकन आलू का सूखा सालन बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम लोग इसे खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, बच्चों को भूख लग रही थी, हमने जल्दी से खाना खा लिए, उसके बाद आराम कर दिए थे, थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी उठे, शाम हो गई है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और चाय के साथ मेरे शौहर ने बोले हैं कि आज वो घर में है ना, इसलिए बोले कि पकौड़े बनाओ। तो ये देखिए मैं कांदे के भजिए बना रही हूँ, और साथ चाय के साथ हल्की हल्की बारिश में पकोड़े और चाय पीने मज़ा आता है ना, इसीलिए। अगर आप लोगों को मेरी एक कांदे भजी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से चाय और पकोड़े बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, चलिए अब पकोड़े छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से सिर्फ छोड़ते जाएंगे, अच्छे बनते कुरकुरे एकदम पकोड़े। मैं सारे पकोड़े बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए चाय और पकोड़े आ गए। ये मेरी फरमाइश के स्पेशल बना है। मैं भी और दिख कर आके ना सो गया था, फिर मैं बोला मुझे चाय पकोड़े खाना है, इतना अच्छा मौसम है तो गरम गरम पकोड़े बने हैं, ये चाय। तो हमारे पकोड़े भी देखो कितने कुरकुरे बने, माशाल्लाह देख सकते। तो मैं शुरू करता हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं ये पकोड़े। कुरकुरे हवा भी आ रही है, कुरकुरे बने ना। आप लोग भी आइए चाय पकोड़ा खाने। आ बच्चों का आ जाओ आसान समरीन, फिर चाय पकोड़ा खा के मुलाकात करते हैं आपसे। ओके, तो माशाल्लाह चाय और कांदा भजिया खा के बहुत मजा आया। मौसम इतना अच्छा था, बहुत मजबूत बारिश हो रही थी बिजली के साथ, बिजली भी बहुत जोर से कड़क थी आप लोगों को मालूम है। बहुत मजा आ गया ऐसे मौसम में, ठंडे मौसम में।
और अल्लाह का एहसान है आज हमारा ईद मिलाद नबी है, वो उनकी नियाज फातिमा की वगैरह भी हुई है। हाँ। और तो आज हमारा ईद मिलाद नबी का दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। हाँ, हमने खीर पूरी बनाए, फातिया दिलाए, है ना, जो रेसिपी बनाई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। हमने दोपहर में क्या बनाए थे खाने में, है ना, तो आप लोगों को कैसी लगा मेरा दिन भर का रूटीन और मेरी रेसिपी आलू चिकन का सूखा सालन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आलू चिकन का सालन भी बहुत एक नंबर बना। हाँ हाँ, उसको भी आज से ट्राई करो, बनाओ, खाओ और अपनी पूरी फैमिली को खिलाओ। सही बात है। और मैं एक बार फिर बोलूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, है ना, यहाँ से सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर करना, लेकिन ताकि उनको भी फायदा हो सके। और हमारा मकसद ये की है कि हमारी वीडियो से आपको फायदा हुए, मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप ये फायदा दूसरे तक पहुँचाओ, ये आपका काम है। ओके, चलो फिर अभी हमारा अजान हो गई है असर की, नमाज का वक्त हो रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूँ, ताकि अभी हम लोग नमाज पढ़ के इबादत करते बैठ जाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, है ना। अल्लाह ताला उनके सबके तोहफे में हम सबके गुनाह माफ करे, हम सबको पांच वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये दुआ में याद रखना, और अफरीन क्या इंस्टाग्राम पे भी अफरीन को फॉलो याद से करना। अफरीन दस्तरखान याद से। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सैफान भी बोलेगा, सैफान बोलो अल्लाह हाफिज।